हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं लोकतंत्र के सेनानी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी की। प्रयाग उच्च न्यायालय से अपने विरुद्ध आए निर्णय से बौखलाकर 26 जून 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोप दिया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद तथा मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इंदिरा गांधी से डरते थे। उन सब ने बिना चूं चपड़ किए इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं को रात में ही घरों से उठाकर जेलों में ठूंस दिया गया। सारे देश में दहशत फैल गई। पत्र पत्रिकाओं पर सेंसर थोप दिया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। इसके विरुद्ध संघ के नेतृत्व में देश भर में लोकतंत्र प्रेमियों ने सत्याग्रह किया और चुनाव में इंदिरा गांधी को हराकर फिर से लोकतंत्र की स्थापना की। इस दौर में 10 अगस्त 1976 की एक घटना से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने देश और विदेश में ख्याति पाई। उन दिनों में जनसंघ की ओर से राज्यसभा के सदस्य थे, उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी का वारंट था, पर वे एक सिख युवक के वेश में चेन्नई और वहां से श्रीलंका होते हुए अमेरिका चले गए। अमेरिका में वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापक बन गए। इधर राज्यसभा में लगातार अनुपस्थिति के कारण उनकी सदस्यता समाप्त होने का खतरा था। ऐसे में 10 अगस्त 1976 को वे अचानक संसद में प्रस्तुत हो गए। राज्यसभा के सभापति श्री बीडी जत्ती श्रद्धांजलि वक्तव्य पढ़ रहे थे। इसी बीच खड़े होकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मान्यवर, आपने लोकतंत्र को श्रद्धांजलि नहीं दी, उसकी भी तो मृत्यु हो चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी को देखते ही वहां हड़कंप मच गया। कई सांसद तो डर के मारे कुर्सियों के नीचे छिप गए। श्री जत्ती ने सबसे 2 मिनट मौन रखने को कहा। इस बीच श्री स्वामी संसद भवन से निकलकर अपनी कार से बिड़ला मंदिर आ गए। यहाँ उन्होंने अपनी कार खड़ी कर दी। उस समय संजय गांधी की जनसभा के बाद एक जुलूस निकल रहा था। वे कपड़े बदलकर उसमें शामिल होकर रेलवे स्टेशन आ गए। वहाँ से मथुरा, नागपुर, मुंबई, नेपाल और फिर अमेरिका पहुँच गए। भारत सरकार हाथ मलती रह गई। संसद में प्रस्तुत होने के 2 दिन बाद बीबीसी लंदन से उनका एक वक्तव्य प्रसारित हुआ। इससे भारत सरकार के मुंह पर कालिख फूट गई। पर सच यह था कि तब तक वे भारत में ही थे। जो वक्तव्य लंदन से प्रसारित हुआ उसे वे पहले ही रिकॉर्ड करा कर भारत आए थे। इसमें पूरी दुनिया में फैले संघ के स्वयंसेवकों तथा कई विदेशी सरकारों ने उनका सहयोग किया। इससे श्री स्वामी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, जैसे छत्रपति शिवाजी औरंगजेब की जेल से निकल भागे थे, वैसा ही चमत्कार उन्होंने किया था। 15 सितंबर 1939 को चेन्नई के मायलापुर में श्री सीताराम सुब्रमण्यम के घर जन्मे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी राजनीति में भी सक्रिय हैं। वे आईआईटी दिल्ली में प्राध्यापक, चंद्रशेखर मंत्रिमंडल में केंद्रीय वित्त मंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य रहे हैं। प्रखर हिंदुत्ववादी श्री स्वामी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। श्री राम सेतु आंदोलन को परिणति तक पहुंचाने का श्रेय उन्हें ही है। वे कानून के भी अच्छे ज्ञाता हैं, अतः न्यायालय में अपने मुकदमे स्वयं लड़ते हैं। शासकीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे उनके अभियान से कई घोटालों से पर्दा उठा है तथा कई बड़े लोगों को जेल जाना पड़ा है। भारत माता की जय।